जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम चो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हमेशा अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि के जातक कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हैं। इस दो मिनट के वीडियो में केवल और केवल एक पॉइंट की बात मैं करना चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की यही प्रश्न होते हैं, पैसा नहीं टिकता, आर्थिक हानि है। दोस्तों, तकलीफ वहाँ पर है, आप ऐसा तो कहीं नहीं करते, ये बात जाने कि आप बेफिजूल खर्च बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, या आप खुद एनालिसिस करें इस बात का, कहीं आप शराब में रोज के हज़ारों रुपये बर्बाद करते हैं, आप कोई गलत व्यसन में हज़ारों रुपये बर्बाद करते हैं, या किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जो धन है उसको गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना, या गलत लालच माफ कीजिएगा, लालच में उसे कहीं डालना। एक इन्वेस्टमेंट अलग है कि एक सकारात्मक इन्वेस्टमेंट एक अलग बात है, लेकिन लालच में कई बार के पैसा डबल हो जाना, कई बार होता है कि हम इसको दे देंगे तो ब्याज का पैसा मिलेगा, तो कई सारी कंडीशन है। तो एक बात सबसे पहले कि लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी होना चाहिए, ये बात जाना जाए, और शुभ लक्ष्मी के लिए आपका जो पैसा है जो आपके पास आ रहा है वो सही और अच्छे सोर्स से आना चाहिए। तो कहीं अगर ऐसा है तो दुखी होने का कलयुग में सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, पैसे का गलत तरीके से आना, और उस पैसे का केवल हमें दिखाई देगा कि हाँ ये सिर्फ हमें पर हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो सो खराब कंडीशन है क्रिएट करेगा हमारे जीवन में, और वो हमें दुखी करेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, हमेशा पैसे का व्यर्थ ना गवाएं और शुभ लक्ष्मी कमाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।